अनिश्चित दलवी जिनकी तरफ से यहाँ पर 300 रुपए के इनाम है दर्शकों के लिए जो कि सुनहरा मौका है दोस्तों। चौथे मैदान के ऊपर दोनों टीम को शुभकामनाएं। मुकाबला शुरुआत मैदान के ऊपर आरसीसी राया विपक्ष रायते के बीच मुकाबला। गेम ऑन। पहली बॉल शानदार स्ट्रोक बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, कोई खिलाड़ी नहीं है और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। दोनों ताकतवर टीमें बीच मैदान के ऊपर एक दूसरे के सामने, यानी कि शेर से शेर भिड़ता हुआ मैदान के ऊपर। एक शेर है, एक सवा शेर है, मगर मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि रायती टीम की ताकत भी बहुत बड़ी ताकत है और उनके सामने उतना ही ताकतवर टीम यानी कि आरसीसी राया टीम। शानदार शुरुआत चौबे के साथ शुरुआत की है, अपना निजी खाता खोला, अपने टीम का खाता खोला। गेंदबाज कामरान, बल्लेबाज कामरान और यहाँ पर अप्पू दो बल्लेबाज है, तो गेंदबाज गजानन के ऊपर प्रतिहल्ला चढ़ाते हुए पहली गेंद के ऊपर शानदार शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। फिर एक बार पैडल स्विप किया, शानदार स्ट्रोक बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को उठाए फेंक के मौका बना यहाँ पर कामरान के पास दूसरा रन लेने का, और इस दो रन के साथ टीम की टोटल बनती भी 6 रन। 4 ओवर का मुकाबला होगा, इसके बाद में और एक मुकाबला देखने को मिल सकता है, यानी कि सुपर 8 में दाखिल हुई है दहागांव टीम। बिल्कुल एक बेहतरीन टीम जिन्होंने 2 मुकाबले जीते, बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट उनकी तरफ से भी देखने को मिला और ड्रॉ के माध्यम से वो टीम सुपर 8 में क्वालिफायर हो चुके हैं। उनका मुकाबला जीतने वाली टीम के साथ होगा, यानी कि वो मुकाबला भी बेहतरीन होगा। फाइट के ऊपर बेहतरीन कैच, फर्स्ट विकेट डाउन, जिस विकेट की तलाश थी मानो वही विकेट जाल में फंसी हुई। कामरान बैक टू द पवेलियन, राया टीम को लगता हुआ यह पहला करारा झटका। बिल्कुल यहाँ पर कामरान के फारी का अंत हुआ। जिसके बल्लेबाजी की बात करेंगे तो 6 रन का योगदान दिया 3 गेंदों में, काफी बड़ी उम्मीद थी। पिछले मुकाबले में कामरान ने भी बड़ी पारी खेली थी, मगर इस मुकाबले में केवल 6 रन ही बना पाया, उम्मीद के ऊपर नहीं उतर पाया। अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंचते हुए रॉप, हम देख सकते बिल्कुल 40+ खिलाड़ी है, कई साल का एक्सपीरियंस है, कई साल का तजुर्बा है और वह तजुर्बा आज मैदान के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में ज्यादा योगदान नहीं दे पाए थे, मगर इस बार उम्मीद बहुत बड़ी उनकी तरफ से और उनका साथ देंगे सलामी बैट्समैन अप्पू, जो कि लगातार बेहतरीन स्ट्रोक इनसाइड आउट के माध्यम से गेंद को फेंक दिया एक शकबर बाउंड्री लाइन के बाहर। अप्पू के बल्ले से यह ब्रांडेड स्ट्रोक 6 रन। के बल्ले से यहां पर 6 आता हुआ और चक्के के साथ हर्ष उल्लास उनके खेमे में, कई संख्या में दर्शक राया टीम के समर्थक और आज यहां से जश्न मनाती हुई पूरी तरह से उनका समर्थक, क्योंकि यहां पर राया टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, मगर उनके सामने उतना ही ताकतवर रायती टीम है। यह अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहां पर यॉकलैंड की गेंद फेंकने की कोशिश की, बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में। कमाल का मुकाबला होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी टीम ने, शेर के सामने शेर है, एक शेर है, एक सवा शेर है मैदान के ऊपर, तो मुकाबला आखिरी ओवर तक, आखिरी वक्त तक देखने को मिलेगा। रफ एंड टफ रोमांच भरा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब तक यहां पर टीम की बात करेंगे, टोटल बन चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अप्पू के लिए गेंद थी बेहतरीन, इस बार कमाल की वापसी पाई है, कमाल की वापसी। प्रशंसा करना चाहूंगा इस गेंदबाज गजानन जिन्होंने छक्का आने के बाद यहां पर लगातार 2 गेंदें डॉट फेंकी। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आरसीसी राया टीम का टोटल बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन।
कृपा सेल के लिए पर अभिभाष के लिए हमारे सम्माननीय आयोजक अनिल दत्ता दलवी जिनकी तरफ से 300 रुपए का इनाम है, यानी कि रातों रात आप भी कमा सकते हैं। ये मौका आपके लिए दर्शक बिल्कुल। तो यहां से एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आरसीसी राय टीम का टोटल बन चुका है 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। चार ओवर का मुकाबला होगा, बिल्कुल मुकाबला बेहतरीन हो सकता है इस मैदान के ऊपर, क्योंकि दोनों बड़ी टीमें मैदान के ऊपर है। पिछले मुकाबले में भी बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला था, यहां से यहां पर राया टीम के बिल्कुल रायती टीम ने खेला था, वो मुकाबला जीता था। इस बार सफल हुए ऑन साइड की तरफ, लॉन्ग लेग में कोई खिलाड़ी नहीं है और बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज रॉब के बल्ले से निकला हुआ पहला शानदार चौका। बिल्कुल यहां पर अब काफी बेहतरीन खिलाड़ी यहां से आप देख सकते हैं रॉब, जो कि 40 प्लस खिलाड़ी, मैंने पहले जिक्र किया था, क्योंकि क्रिकेट में हमने देखा जो कम कद के खिलाड़ी होते हैं बिल्कुल वो खतरनाक खिलाड़ी होते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं सचिन, रमेश तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सनत जयसूर्या, ऐसे कई खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सुनील गावस्कर, जो कि कम कद के खिलाड़ी है, हमेशा आक्रामकता के साथ खेलते हैं। टेनिस क्रिकेट की बात करेंगे तो मनीष पांड्या भी पाले टीम का कम कद का खिलाड़ी है और हमेशा बड़ी बड़ी पारी खेलने में माहिर है। उसी तरह से रॉब के बल्ले से ये पहला चौका आता हुआ और 24 के साथ आक्रामकता सीध के मैदान के ऊपर और अपना तो बिल्कुल टाइमिंग के ऊपर चलना है। रायती टीम इस बात के ऊपर गौर करे, ज्यादा वक्त जाया करेंगे तो पेनल्टी भी लग सकती है। तो टीम की टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पर बनता बस 16 रन, सेकंड ओवर प्रोग्रेस, सेकंड बात तैयार। लेफ्ट हैंड ओवर द राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, कमाल की फील्डिंग, खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को रोका और इस बार डायरेक्ट हिट देने की कोशिश थी, बिल्कुल बैकअप था, अन्यथा यहां से रन भी बन सकते थे, यहां से ज्यादा रन बन सकते थे, मगर एक ही रन की कीमत बहुत है। और दूसरी तरफ फील्डर की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने यहां पर डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि यहां से रोप जैसे खतरनाक बल्लेबाज मैदान के ऊपर है और उसे आउट करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है बल्लेबाजी करने वाले राया टीम के ऊपर, वो दबाव डालने की कोशिश मैदान के ऊपर रायती टीम की ओर से। गेंदबाज सेकेंड ओवर हरीश का इस्तेमाल किया, गेंदबाजी के तैयार, फुल टॉस गेंद कर प्रार और इस बार फेंक दिया गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए। ऐसे बल्लेबाज के सामने आप फुल टॉस लॉलीपॉप गेंद फेंकेंगे तो उसका जवाब भी वही होगा और उन्होंने जवाब दिया रॉब के बल्ले से यह छक्का, हाइट कम फाइट ज्यादा, ये बल्लेबाजी मैदान के ऊपर रॉब की तरफ से कमाल की पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। जानते हैं मुकाबला अहम भरा है और मैंने पहले कहा था कि दोनों बड़ी टीमें जब आमने सामने होती है तो मुकाबला दोस्तों आखिरी वक्त तक बेहतरीन देखने को मिलता है और वह मुकाबला इस बार टीम की टोटल की बात करेंगे 22 रन। अच्छी गिनती, हल्के हाथों से सम्मान दिया, बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट, ये बड़े खिलाड़ी की पहचान है दोस्तों। आपने बहुत बड़े क्रिकेट देखा होगा मगर बहुत महत्वपूर्ण क्रिकेट भी देखा होगा, जब जब बड़े खिलाड़ी होते हैं अच्छी गेंद को सम्मान देना बिल्कुल जानते हैं और जब खराब गेंद होती है, क्योंकि रॉब ने वही किया, अगली पहली गेंद थी वो फुल टॉस गेंद थी, वो खराब गेंद थी उसके ऊपर छक्का दिखाया और अगली गेंद यॉर्क लाइन की थी, उसे सम्मान दिया और इस सम्मान के साथ टीम आगे बढ़ती हुई 23 रन। अच्छी गेंद, बिल्कुल यहाँ पर पैर पर गिरी, अपीला में उत्साह था, आत्मविश्वास कमी है और डॉट बॉल की समाप्ति, एक ही डॉट बॉल महत्वपूर्ण है दोनों टीम के लिए। यहां से बात करेंगे तो टीम टोटल बनता हुआ 23 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर है, पहले ओवर में शानदार शुरुआत की थी, उसके बाद में इस ओवर में भी यहाँ पर एक चौका एक चौका, यानी कि 5 गेंद में गेंदबाजी करते हुए हरीश ने 11 रन खर्च किए। आखिरी गेंद तैयार, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर पैड पर गिरी, बिल्कुल रन लेने की कोशिश थी, इनकार किया रॉब ने और ओवर की समाप्ति होती हुई, दो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद यहां से आरसीसी राया टीम का टोटल बन चुका है 23 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो बिल्कुल यहाँ पर रायती टीम आप ज्यादा बक्सा न करे, जल्द से जल्द फिर की रचना करे, क्योंकि इसके बाद में और एक मुकाबला होगा, जो मुकाबला होगा बिल्कुल धागा विपक्ष जीतने वाली टीम के साथ होगा मुकाबला,
बिल्कुल कल भी बहुत बड़ा क्रिकेट देखने को मिला और गाउदेवी निम्बोली टीम सुपर फोर में दाखिल हो चुकी है, यानी कि सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश किया है। उनका मुकाबला लगता है कल होगा उनका मुकाबला। तो बिल्कुल यहाँ पर आयोजक बोल रहे हैं कि आज ही मुकाबला होगा। तो बिल्कुल कल जो क्वालिफाई हुई थी सुपर फोर में, यानी कि गाउदेवी निम्बोली टीम, तो गेंदबाज तैयार होता हुआ यहाँ पर तीसरा ओवर एकनाथ जिनका इस्तेमाल किया है। चलो रायती टीम ज्यादा वक्त जाया ना करे, तुरंत फील्ड का रचना करे, क्योंकि आप दो मुकाबले होंगे, लग रहा था कि एक ही मुकाबला होगा, मगर उमेश केने सर यहां से इशारा करे कि अगला मुकाबला भी, यानी कि सेमीफाइनल का मुकाबला भी होगा, यानी कि एक टीम मेगा फाइनल में पहुंच सकती है, आज जीतने वाली टीम और कल की टीम की बात करेंगे। यह अच्छी गेंद थी, बेहतरीन से गैप में खेला हुआ गेंद और वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को रोके फेंके दोनों खिलाड़ी एक गेंद में, बिल्कुल यहां से मौका बन सकता है राया टीम की ओर से बल्लेबाज रॉब के पारी का अंत बिल्कुल एक दूसरे से काल नहीं कर पाए और यहां से रन लेने की गुस्सा की और यहां से बल्लेबाज राया का टीम को लगता हुआ झटका, बल्लेबाज रॉब के पारी का अंत। से तो यहाँ पर मिस अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में कॉल नहीं हो पाया बिल्कुल, और इसकी वजह की यहाँ पर रॉब को अपना विकेट गंवाना पड़ा, क्योंकि जब दो खिलाड़ी क्रीज के ऊपर होते तो दोस्तों दोनों के बीच में कॉल होता है यस नो या वेट, यहाँ से कॉल देना चाहिए था कि वेट, बिल्कुल यहाँ से ऐसा कॉल आना चाहिए था, मगर वहां पर दोनों बल्लेबाज ने कॉल नहीं दे पाए और यहाँ से महत्वपूर्ण विकेट गिरती हुई रॉब की पारी का अंत होता हुआ। अच्छी गेंद इनसाइड आउट के माध्यम से यहां पर गेंद को खेला है, गेंद जाती हुई फाइन बाउंड्री लाइन के बाहर, बेहतरीन स्ट्रोक इस बार अप्पू के बल्ले से ये चौका। थैंक यू डेज से यहां पर बल्लेबाज अप्पू के बल्ले से यह चौका, क्योंकि रॉप आउट होने के बाद जो जिम्मेदारी रही थी और जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए मैदान के ऊपर एक बार चौका रखते हुए टीम की टोटल की बात करेंगे, टोटल स्कोर की बात करेंगे तो यहां पर 28 रन लॉस ऑफ टू विकेट, दो बल्लेबाज अब तक आउट हो चुके हैं कामरान और रॉप जैसे बल्लेबाज आउट होने के बाद अप्पू अब यहां से हुकूमत चलाते हुए मैदान के ऊपर, क्योंकि अप्पू जब तक लास्ट एंड तक चलेंगे तो एक बड़ी टोटल हासिल कर सकती है। बिल्कुल यहां पर गेंद को खेला स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन पूरा दूसरे की कोशिश, बिल्कुल यहां से ऑन द स्टंप थ्रो नहीं कर पाए, डायरेक्ट थ्रो यहां से होता तो बिल्कुल रन बन सकते थे, मगर राया टीम के कैप्टन को विनती करना चाहूंगा आप यहां से आवाज न दे, डगआउट बॉक्स से राया टीम आप आवाज न दे बेहतर होगा, क्योंकि एक बड़ा क्रिकेट और बड़ी मुकाबला मैदान के ऊपर शुरू है और बिल्कुल यहां पर मुकाबला चलता हुआ, टीम की टोटल 30 रन बन चुकी है, 30 रन जो कि मुकाबला चौथा हुआ बीच मैदान के ऊपर राया विपक्ष रायते के बीच मुकाबला। यशी गेंदी एक्रॉस बैक खेलने की कोशिश कर रहे, लगातार उसी क्षेत्र में खेलने की कोशिश, मगर यहां से लगातार रन लेने की कोशिश की थी, इस बार अप्पू के पारी का अंत हुआ था, अप्पू बैक टू द पवेलियन और राया टीम को लगता हुआ ये तीसरा करारा झटका। थैंक यू डीसे, कमाल के संगीत छत्रपति शिवाजी महाराज के संगीत, काशी की कला भी जाती मथुरा में मस्जिद भी बन जाती, दोस्तों शिवाजी महाराज ना होते तो सबकी सुन्नत हो जाती। क्या बात है, यहाँ पर पटाखों की आतिशबाजी, यानी कि यहाँ पर ये प्रतियोगिता सफल होती भी मैदान के ऊपर, एक आयोजक की काफी खुश है और इस बार इस प्रतियोगिता को बिल्कुल चार चांद लग चुका है और इस बार बात करेंगे तो फटाके की आतिशबाजी,
इस प्रतियोगिता की पहचान बिल्कुल दोस्तों यह दर्शा रही है कि यहाँ पर प्रतियोगिता पूरी पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है और प्रतियोगिता बिल्कुल यहाँ पर पटाखे की आतिशबाजी के साथ मैदान के ऊपर तो बिल्कुल यहाँ पर फटेगी आतिशबाजी यह बता रही है कि इस प्रतियोगिता को पूरी धूमधाम से मनाई जा रही है। और इस बार बात करेंगे तो मुकाबला शताबार राया विपक्ष रायते के बीच 31 रन बन चुके, 3 विकेट के नुकसान पर थर्ड ओवर प्रोग्रेस है। एक नाथ गेंदबाजी के तैयार, अच्छी गेंद थी, पॉइंट की तरफ गेंद को फोड़ दिया। इस बार गेंद जाती हुई कवर की तरफ, पॉइंट कवर पॉइंट के बीच में से गेंद निकली हुई थी, कवर लाइन के ऊपर गेंद को रोका, तब तक यहां पर मौका बना एक रन लेने का। और इस सिंगल के साथ टीम आगे बढ़ती हुई 32 रन बनते हुए, तो बिल्कुल यहां पर 32 रन टीम का टोटल बन चुका है। और इस ओवर की बात करेंगे तो गेंदे फेंक चुके इस ओवर में, अब तक यहाँ पर तीसरा ओवर प्रगति पर 5 गेंदे फेंक चुके हैं, 4 ओवर का मुकाबला दोस्तों। दर्शक अभी भी मौजूद है, खचाखच भरा हुआ ये मैदान, चारों बाजू में दर्शक इस मुकाबले को लुप्त कर दे। और इस बार अपील अपीला में उत्साह ज्यादा, तो बिल्कुल यहाँ पर दो अंपायर ऑफिशियल अंपायर मैदान के ऊपर है। और डॉट बॉल की समाप्ति होती भी और दोनों अंपायर डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे यहां पर टीम के टोटल की बात करेंगे तो टोटल स्कोर बन चुका 32 रन। तो बिल्कुल यहाँ पर मुकाबले की बात करेंगे तो काफी बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर चलता हुआ, अंपायर डिसीजन बताएंगे अंपायर, बिल्कुल दोनों अंपायर डिस्कस करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई ओवर की समाप्ति। राया टीम के टोटल की बात करेंगे तो 32 रन 32 रन, काफी बड़ा मुकाबला। तो बिल्कुल दहागांव टीम सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है और आज एक बड़ा दिन भी है उनके लिए, क्योंकि उनके स्पॉन्सर सन्माननीय अरविंद जी मिलकोटे साहब जिनका जन्मदिन, और जन्मदिन की इस प्रतियोगिता के माध्यम से और हमारे सभी दर्शकों के माध्यम से हम शुभकामना देंगे सन्माननीय अरविंद सेठ मिरकोटे साहब जो कि दहागांव टीम के स्पॉन्सर है, उनको हम शुभकामनाएं देते हैं उनकी टीम की ओर से, पूरे आयोजकों की कमेटी के द्वारा और हमारे दर्शकों के द्वारा हम उन्हें बिल्कुल शुभकामनाएं देते हैं। तो यहां पर मुकाबले की बात करेंगे, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 32 रन बन चुके, आखिरी ओवर है। रायती टीम विनती करना चाहूंगा कि आप ज्यादा बग जाया ना करें, क्योंकि सामने एक बड़ी टीम है, ताकतवर ऑस्ट्रेलियन टीम, हम देख सकते आरसीसी राया टीम बीच मैदान के ऊपर। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहां पर गेंद को खेला स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और एक रन पूरा होता हुआ, इस एक रन के साथ टीम टोटल आगे बढ़ता हुआ। टीम के टोटल की बात करेंगे तो 33 रन 33 रन बन चुके हैं, जो कि मुकाबला काफी बेहतरीन चलता हुआ इस मैदान के ऊपर दो बड़ी टीमों के बीच में। एक तरफ रायते टीम है, उनके सामने यहाँ पर राया टीम, यानी कि दोनों ताकतवर, इस विभाग की सबसे ताकतवर टीम मैदान के ऊपर खेलती हुई। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को खेला, एक रन दूसरे के लिए फलट चुके हैं और जब तक गेंद को रोके फेंके 2 रन का हिसाब पा, 2 रन के साथ टीम आगे बढ़ते हुई 35 रन, यानी कि बड़ी टोटल की तरफ बढ़ती हुई। मैंने पहले कहा था कि राया टीम की बल्लेबाजी काफी ताकतवर है और इस विभाग की सबसे बड़ी टीम इन्हें माना जाता है। और आज स्प्रे
मित्र परिवार जमलाय अरविंद दादाचे वाढदिवसाला, मित्र परिवार जमलाय अरविंद दादाचे वाढदिवसाला। हॅपी बर्थडे टू यू अरविंद, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू अरविंद, हॅपी बर्थडे टू यू। युवराज आणि नाना मित्रांनी केली सारी तयारी, केली सारी तयारी, केली सारी तयारी। प्रणव सचिन विकास मित्रांनी केक आणि लाभारी, केक आणि लाभारी, केक आणि लाभारी। प्रवीण पंकज धीरज मित्र नाचताना वाढदिवसाला, प्रशांत विशाल भारत मित्र नाचताना वाढदिवसाला। आज अरविंदचे वाढदिवसाला। अरविंद सेठ मिरगुडे जिनका आज जन्मदिन और शुभकामनाएं देते हुए बिल्कुल डीजे मास्टर उनका भी हम स्वागत करेंगे। टोटल स्कोर की बात करेंगे, 35 रन, ये बेहतरीन शौक है, बिल्कुल गैप में खेला है। वहां पर खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद को रोके, मौका बना रन लेने का, और इस एक रन के साथ टीम आगे बढ़ती हुई। 37 रन, एक बेहतरीन टोटल की तरफ बढ़ती हुई, क्योंकि रायट टीम के पास गेंदबाजी भी काफी ताकतवर है, तो रायट टीम यहां से 45-50 की तरफ स्कोर बना पाती है तो मुकाबला काफी रफ एंड टफ होगा, क्योंकि सामने भी बड़ी टीम है, रायते जैसे ताकतवर बल्लेबाजी के लिए ताकतवर टीम है, तो उनके सामने वो टोटल रखना बहुत जरूरी है। इस बार बेहतरीन गेंद थी, जब तक गेंद को रोके विकेट कीपर के पीछे रन बन सकता है। एक और एक रन के साथ टीम आगे बढ़ती हुई, 38 रन। आखिरी ओवर की बात करेंगे तो गेंदबाज तेजस का इस्तेमाल किया, अद्भुत तक गेंदे फेंकी है उन्होंने, यह अच्छी गेंद बिल्कुल यहां पर चकमा दिया था, बिल्कुल यहां पर विकेट रन आउट के स्वरूप में हो सकता है। बिल्कुल 5 गेंद अब तक फेंक चुके इस ओवर में, काफी अच्छी गेंदबाजी, 5 गेंद में 6 रन उन्होंने खर्च किया। तो रनआउट के स्वरूप में विकेट गिरता हुआ, टीम के टोटल की बात करेंगे तो टोटल स्कोर 38 रन। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, इस बार पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन की गुंजाइश नहीं है। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 4 ओवर के बाद टीम का टोटल बन चुका 38 और अब 39 रनों का लक्ष्य होगा बीच मैदान के ऊपर रायते टीम के सामने। मुकाबला किससे से होगा, मुकाबला कौन जीतेगा, इसका आंखों देखा सुनने के लिए फिर एक बार चलते हैं राहुल भोर के पास। तो लक्ष्य होगा मैदान के ऊपर 39 रनों का लक्ष्य बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि मुकाबला की बात करेंगे तो रायट टीम के पास गेंदबाजी भी काफी ताकतवर है। मुकाबला किससे से होगा, आइए सुनते फिर एक बार सुरेश पाड़ी के, चलते सुरेश पाड़ी के पास। जाऊ पुरा
थैंक्स अ लॉट योगेश मडवी उपस्थित छत्रपति शिवाजी राजे क्रीडांगण सर्व माझ्या लाडक्या तमाम क्रिकेट रसिकांच तसेच टेनिस क्रिकेट डॉट इन च्या माध्यमातून जोडलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं मी सुरेश पाटील या स्पर्धेचे आयोजक मानिश्री अनिसेट जडवी साहेब तसेच आदित्य स्पोर्ट्स निंबोळी यांच्या वतीने आदित्य चषक 2019 या डे नाईट दिवस रात्र टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. वाऱ्याचा वेग काय त्यापेक्षाही जास्त वेग होता. अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा इरादा त्यांचा नेक होता. असा जिजाऊचा लेख लाखात नाही तर जगात आमचा शिवा एक होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्रिवार मानाचा मुजरा. अतिशय रंगतदार अवस्थेत नक्कीच ही स्पर्धा पोहोचलेली आहे. कारण दोन मजबूत संघ दोन धारदार तलवारी एकमेकांवर आदळताना दिसतायत आणि या धारदार तलवारी एकमेकांवर आदळल्यानंतर आनंदाची ठिणगी मात्र निश्चितपणे इथे निघताना दिसते. ती आनंदाची आहुती देणारी नक्कीच मॅच असेल तो सामना असेल तो आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. प्रथम फलंदाजी करताना RCC राय संघाने जमवल्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 38 धावा आणि 39 धावांचं टार्गेट आहे. कल्याण विभागातील हे दोन संघ आहेत. एका जंगलातील दोन वाघ आपण म्हणू शकतो. एक जबरदस्त फाईट या दोन्ही संघांच्या दरम्यान प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. प्रेक्षकांची अलोट अशी गर्दी आहे. नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून आज पूर्ण कल्याण विभागात नव्हे तर ठाणा महाराष्ट्र म्हणा किंवा देशभरात अनिल सेठ दलवी साहेबांचं नाव आज गाजताना दिसतंय वाजताना दिसतंय. कारण यूट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा नक्कीच प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवली जाते. जे प्रेक्षक घर बसून नक्कीच या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. RCC राय संघासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत गोट्याभाई वखार यांच्या माध्यमातून. खूप खूप धन्यवाद. 39 धावांना पाहूया कशा प्रकारे डिफेन्स करतायत RCC राय संघाचे गोलंदाज. गोलंदाजी सुद्धा तितकीच भरदार आहे. आणि रायते संघाचा जर विचार केला तर तरबेज खेळाडू त्यांच्याकडे आहेत. सलामी सिद्धोडी मैदानाच्या आतमध्ये निलेश याने मागील सामन्यामध्ये साई कृपा मांडा संघाच्या गोलंदाजाविरुद्ध 4 चेंडू मागे 4 षटकार ठोकले होते. पहिली षटकार हॅट्रिक पटकावणारा ठोकणारा हा फलंदाज रायते संघाचा निलेश स्ट्राईकवर पोहोचलेला आहे. सामना लगेचच सुरुवात करायची आहे. कुठल्या प्रकारे विलंब करू नका. अजून दोन सामने आजच्या रात्रीमध्ये आपल्याला पूर्ण करायचे आहेत कव्हर करायचे आहेत. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा. तसेच या आजच्या रात्रीचा खेळ पाहण्यासाठी किरवलीहून गोरखनाथ दिगाडकर सुद्धा पोहोचलेले आहेत. त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. अख्तर चेंडूने सुरुवात करतोय. पहिला चेंडू फुलर लेनचा ऑफ स्टिकच्या बाहेर ठेवला होता. पॉइंट वर क्षेत्ररक्षक आहे. अपील केली जाते. स्ट्रॉंग अपील आहे. स्क्वेअर लेग पंच राजकुमार पाटील यांच्याकडे धावची साठी रिस्की सिंगल इथे उचलली जाते. वेळ जास्त खर्च करू नका. RCC राय संघाच्या खेळाडूंना विनंती असेल आपण एकत्र येऊ नका षटकार टोकल्यानंतर गडी बाद झाल्यानंतर. कारण आपल्याला अजून दोन सामने कव्हर करायचे आहेत आणि या फ्लाईट लाईट्स कधीही ऑफ होऊ शकते. तर विनंती असेल 20 मिनिटांच्या आत आपल्याला 4 षटकं पूर्ण करायचे आहेत अन्यथा थेट पॅनल्टी दिली जाईल. आयोजकांच्या माध्यमातून आपल्याला वारंवार आम्ही सूचना करत आहोत. पुन्हा एकदा अख्तर राठे मोर द विकेटनं अँगल चेंज करून समोर फलंदाज आहे निलेश. श्रीवास्त्र बाहेर काढले. सुरेख फटका चेंडू मैदानाला गुदगुल्या करत थर्ड बॅट सिव्हिलिशच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी दणदणीत खणखणीत. RCC राय संघासाठी शुभेच्छा आलेले आहेत गोट्या भाई वखारे यांच्या माध्यमातून. खूप खूप धन्यवाद निलेश. जिथे मागील खेळीला सोडलं होतं तिथूनच सुरुवात करताना एक्सलंट पीस ऑफ बॅटिंग. रिव्हर्स सहस्र पहिल्याच चेंडूला अटेम्प्ट करताना
हरेश आणि अनिलेश ही जोड़ी है खेलपट्टीवर फाउंड पे षटक अपन पहतो राय संघाच्या माध्यमातून अख्तर हाताळताना नक्कीच विकेट च्या शोधात सुरुवातीपासूनच असेल आरसीसी राय संघ मोठ्या संख्येने पाठीराखे इथे उपस्थित आहेत आणि प्रेक्षक वर्ग असणं खूपच गरजेचं आहे। प्रेक्षकांमध्ये खेळण्याचा आनंद निश्चितपणे मोठा असतो परंतु दडपण सुद्धा तितकंच असतं। वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा विनंती असेल। क्षेत्ररक्षकाची जर व्यूहरचना पाहिली तर आउटफील्ड मध्ये एक काव कॉर्नर वर क्षेत्ररक्षक आहे आणि एक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग वर पुढचा चेंडू अख्तर याचा मात्र पुरकाण्याचा प्रयत्न अपील आहे स्ट्रॉंग अपील रोफ त्याच्या यष्टांच्या मागे आहे। कुठल्या प्रकारे फलंदाजाला फुटवर्क चा इथे उपयोग करून दिला जात नाहीये। जबरदस्त यष्टरक्षकाची भूमिका पार पाडताना नक्कीच जुनी तलवार आहे आणि या धार मात्र तीच पाहायला मिळते याच्या नक्कीच रोफ त्याच्या याच्या माध्यमातून। यष्टरक्षक पहा अगदी जवळचा यष्टरक्षक वेगवान गतीचा गोलंदाज आहे परंतु नक्कीच आपल्या या भूमिकेची आपल्या यष्टरक्षणाची छाप सोडताना रोफ संघाची धाव संख्या झालेली 5 धावा। प्रत्येक चेंडू अतिशय महत्त्वाचा आहे प्रत्येक चेंडू अतिशय निर्णायक आहे। हा सामना जिंकणारा संघ पुढे जाऊन क्वार्टर फायनल गेम मध्ये धागाव संघासमोर असेल। धागाव संघ सुद्धा सज्ज झालेला आहे या सामन्याचा नक्कीच अभ्यास करताना स्टडी करताना निरीक्षण करताना कुठला संघ कशा प्रकार खेळतोय कशा प्रकारची गोलंदाजी आहे कशा प्रकारची फलंदाजी आहे। पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र अजून एक दर्जेदार चेंडू यष्टरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय। वारंवार नक्कीच अशा प्रकारच्या फटक्यांची रिव्हर्स फटक्यांचा इथे प्रयत्न केला जातोय यावेळेस मात्र अपयशाती लागतोय। पहिल्याच चेंडूवर निलेशाने चौका ठोकला त्यानंतर मात्र बॅक टू बॅक दोन निर्धाव चेंडू गोलंदाज अख्तर याच्या माध्यमातून। संघाची धाव संख्या झालेली आहे 5 धावा। पॉवर प्लेचं षटक पॉवरफुल गोलंदाजी हाताळताना अख्तर दर्जेदार सुरुवात। यावेळेस मात्र सरळ बॅटल ऑफलेट फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू वेगवान गतीने कूच करतोय सीम रेषेच्या कडे आणि सीमा रेषा पार जातोय 4 धावा। चोरी सजवायचा एकत्र येऊ नका। सरळ बॅटनं समोरच्या दिशेने चांगल्या पद्धतीने फलंदाज खेळतोय निलेश आणि या रिव्हर्स फटक्यांची आवश्यकता होती का असा प्रश्न प्रेक्षकांच्या मनामध्ये निर्माण झाला असेल कारण दोन निर्धाव चेंडू निलेशाच्या माध्यमातून खेळले गेलेत। एकूण धाव संख्या झालेली 9 धावा। शेवटचा चेंडू आहे या षटकातील कुठल्याही प्रकारची धाव खर्च होणार नाही यासाठी या क्षेत्ररक्षणामध्ये फेरबदल केला जातोय। स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक मिड विकेटच्या दिशेने आणि काव कॉर्नरवर असलेला क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफच्या स्थानावर थोडासा वाईट आहे। यावेळेस मात्र हवेमध्ये एक्स्ट्रा कव्हर डाऊन दी बॉल आहे आणि कुठल्याही प्रकारची चूक करत नाही फलंदाज बाद होतोय पहिला धक्का। घरी घरी रथ झाले रामाचा ना माझी काही बैसली गौरी ही ना बरी ना। घरी घरी रथ झाले रामाचा ना माझी काही बैसली गौरी ही ना बरी। नक्कीच निलेश या नक्कीच तुफानी खेळाडूला बाद केल्यानंतर मात्र आनंद धुनावला जातोय आर सी सी राय संघाचा आनंद उत्साहाचा वातावरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय कारण एक मोठा प्लेयर मैदानाच्या बाहेर जाताना एक कंदा खेळाडू मैदानाच्या बाहेर जाताना मोठा मासा गळाला लागतोय शार्क मासा गळाला लागतोय असं आपण म्हणू शकतोय। बाद होण्यापूर्वी या चार चेंडूचा सामना करत 8 धावा खुटल्या निलेशाने संघाची धाव संख्या आहे 9 धावा। एक गडी बाद एक षटकाचा खेळ समाप्त। जीवन आहे खरी कसोटी मागे वळून पाहू नका येईल कोण तारावायस वाट कोणाची पाहू नका हे जग जिंकायचं आहे हार कधी मानू नका यश तुमच्या जवळ आहे जिंकल्याशिवाय थांबू नका आणि नक्कीच कुठलाही संघ आता मात्र थांबणार नाहीये। लढा उरती या दोन्ही संघांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते संघर्षजनक क्रिकेट पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये आणि अशा प्रकारचे सामने हे स्पर्धेची लौकिकता आणि उंची वाढवणारे सामने असतात। अतितटीची लढाई निश्चितपणे प्रेक्षकांच्या समोर सादर केली जाते। मुंतू याच्या हातामध्ये चेंडू आहे नॉन पॉवर प्लेचं षटक असेल। सरकारच्या आतमध्ये चार क्षेत्ररक्षक यष्टरक्षक आणि गोलंदाजा व्यतिरिक्त
उर्वरित क्षेत्ररक्षकांना आपण डीप सीमारेषेवर पाहतोय. पांच क्षेत्ररक्षक डीप सीमारेषेवर असतील. कशा प्रकारे क्षेत्ररक्षण सजवले जाते पाहूया. जास्त वेळ खर्च करू नका राय संघ, कारण या सामन्यामध्ये विजयी संघ ज्याला पुढे जाऊन धागाव संघाविरुद्ध क्वार्टर फायनल मध्ये खेळायचं आहे. आणि आयवा झेल घेणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा सन्माननीय अनिसेट जळवी यांच्याकडून 400 रुपयाचं पारितोषिक. वा, नक्कीच प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी आहे. ते मात्र संधी आहे मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकासाठी. फलंदाज बाद होतोय. अजून एक धक्का, अजून एक करंट रायते संघाला. काही प्रेक्षक सामन्यांचा आनंद उचलण्यासाठी आलेले असतात. सामना कुठलाही संघ जिंको त्याच्याशी काही एक घेणं देणं नसतं, परंतु यावेळेस मात्र प्रेक्षकांकडून अपेक्षा वर्तवली जाईल की चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पाठवावा फलंदाजांनी, कारण 400 रुपयाचं नक्कीच पारितोषिक या आयोजकांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना दिलं जाईल. सीमारेषेच्या पलीकडे झेल टिपल्यानंतर या स्पर्धेचे शिल्पकार सर्वे सर्व फोकसमॅन गोल्डमॅन समाजसेवक आणि सुप्रसिद्ध उद्योजक निंबवली गावाचे या ज्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आयोजित केली आहे अनिल सेठ दळवी साहेब यांच्या माध्यमातून रोख रक्कम 400 रुपये झेलसाठी प्रेक्षकांसाठी हे पारितोषिक आहे. म्हणतो एक अग्रगण्य अग्रक्रमांकित गोलंदाज या परिसरातील कल्याण ग्रामीण विभागातील उपस्थित तरार चेंडू आहे. यष्टी रक्षक रोपते जायचं कार्य आपण पाहू शकता. डोळे दिपवणारे आयोजन तर आहेच, डोळे दिपवणारा खेळ सुद्धा पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. वा, सुंदर क्रिकेट, कमालीचं क्रिकेट, बहदार क्रिकेट, आकर्षक क्रिकेट, दर्जेदार क्रिकेट, देखणं क्रिकेट, सुंदर क्रिकेट आणि महान क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना या महान स्पर्धेमध्ये. वेळ जास्त खर्च करू नका, विनंती असेल वारंवार आम्ही आपणास नक्की सूचना करत आहोत. घड्याला तर 1:25 झालेली आहेत. अजून 2 सामने आपल्याला पूर्ण करायचे आहेत. नक्कीच आज महेंद्र सिंग धोनी यांची आठवण करून दिली जाते रोपतेजा यांच्या माध्यमातून. मुंतुयाचा पुढचा चेंडू. हो, पुन्हा एकदा मुंतुयाला अशा प्रकारचे फटके आपण खेळू शकत नाही याची जाणीव असायला हवी रायते संघाच्या फलंदाजांना. अतिशय वेगवान गतीचा हा गोलंदाज आहे. अचूक टप्प्यावर चेंडू फेकले जात आहेत आणि पूर्णपणे जखडून ठेवलं जाते. कोंडी केली जाते, कील टोकली जाते, चारी मुंड चित्त केलं जाते, आसमान दाखवलं जाते, धूळ चारली जाते, पाणी पाजलं जाते रायते संघाच्या फलंदाजांना. हे संघ एकमेकांसमोर बऱ्याच वेळा आले असतील. पुन्हा एकदा गाठ पडली आहे मात्र आदित्य चषक 2019 मध्ये डे नाईट क्रिकेट स्पर्धेमध्ये. यावेळेस मात्र लॉफ्टेड फटका, लॉन्ग ऑफ डाऊन दी बॉल. व्हॉट अ ग्रेट कॅच, व्हॉट अ ग्रेट कॅच. अनादर विकेट गोज डाऊन. देवी माऊली प्रसन्न झाली, वाघोबा देव यो नवसाला पावला. डीजे सोहळ्या यांना सुद्धा खूप कमी वेळ दिला जातो, कारण वेळ आपल्याकडे खूपच कमी आहे. प्रत्येक गोष्टीकडे वेळ पुरवण्यात येईल, कारण 9 धावांवर येथे मात्र अजून एक धक्का दिला जातोय तेजस याच्या रूपाने. हरेश बाद झालेला आहे डावखुऱ्याचा फलंदाज. नक्कीच कर्णधाराच्या विश्वासाला सार्थक अशी त्याला फलंदाजी करता आली नाही. एक धाव त्याच्या बॅटमधून आपण केवळ पाहिली. मुंतू उर्फ मुमतझींना नक्कीच याने पारितोषिक सुद्धा मिळवली मागील सामन्यामध्ये आणि या महत्वाच्या सामन्यामध्ये मात्र अफलातून गोलंदाजी, अफलातून गोलंदाजी साकारली जाते प्रेक्षकांची मन जिंकताना. हो, यावेळेस मात्र आसमानी सुलतान तुफानी गगनभेदी टावरिंग षटकार. षटकार येतोय. कल्पेशच्या बॅट मधून आलेला हा षटकार, कल्पकतेने हा फटका खेळला होता. कल्पेशच्याने दाखवून दिलं की अजून सामना संपलेला नाही, कारण अजून आमचा संघ जिंकलेला नाहीये, अजून आमचा संघ हारलेला नाहीये. मनामध्ये बालकलेलं स्वप्न जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत संघर्षाचं मैदान सोडणार नाही, साखर झोप घेणार नाही
आणि या नक्कीच पेटून ना उठून ना हा संघर्ष हा लढा दिला जाईल। आता मात्र धाव संख्या झाली 15 धावा 13 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या विजयासाठी 24 धावांची गरज। आमचे गुण लेखक मयूर आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवताना हे समीकरण आहे दोन्ही संघांसाठी हा सामना न्यूट्रल अवस्थेमध्ये 50-50 मॅच फॉर दी बोथ टीम। हो यावेळेस मात्र चांगला चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर चेंडू ठेवला होता अगदी जवळच यष्टीरक्षण। खूप कमी असे यष्टीरक्षक टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळतात जे यष्ट्यांच्या जवळ उभे राहून नक्कीच यष्टीरक्षकाची भूमिका पार पाडतात। याचा फायदा होतो गोलंदाजाला, फलंदाज कुठल्याही प्रकारे फुटवर्कचा उपयोग करत नाही आणि तेच चित्र येथे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। नक्कीच राय संघाला वारंवार आम्ही विनंती करत आहोत कृपया करून आपण एकत्र येऊ नका। षटक समाप्त झाले, लगेचच दुसरे आपण षटकाला सुरुवात करणार आहोत। दोन षटकांची समाप्ती झाली आहे। पहिल्या षटकामागे 71 आणि 9 धावा खर्च केला, एक गडी बाद केला मुंतू याने। दुसऱ्या षटकामागे 6 धावा खर्च करत 2 गडी बाद केले, एकूण 3 गडी बाद झालेले आहेत। धाव फलकावर 15 धावा, विजयासाठी मात्र 12 चेंडू आणि 24 धावांची गरज। एक डझन चेंडू आणि 2 डझन धावा। वा नक्कीच झनू काही एक महोत्सव निंबवडीच्या क्रिकेट ग्राउंड वर रंगवला जातोय। क्रिकेटची जत्रा, क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचं घनघोर युद्ध अप्पू येतोय। तिसऱ्या षटकाची सुरुवात करतोय राईट ओव्हर द विकेट न। हो यावेळेस मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट पॉईंट कडे चेंडू खेळलाय, स्क्वेअर कट ज्याला म्हटलं जातं, डीप वर क्षेत्ररक्षक, चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे मात्र सजवण्यात आलेलं आहे। एक धाव इथे अंकित केली जाते, संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 16 धावा 23 धावांची गरज आहे। चेंडू शिल्लक आहेत 11, पुढील सामन्यामध्ये या पुढील फेरीमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी पुढची फेरी असेल क्वार्टर फायनल सामन्याची। क्वार्टर फायनल गेम आपण पुढे जाऊन पाहणार आहोत। धागव संघाने ऑलरेडी त्याच्यामध्ये नक्की स्थान प्राप्त केलेलं आहे। अप्पू याचा पुढचा चेंडू, हो रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न। आज बऱ्याच फलंदाजांनी अशा प्रकारचा प्रयत्न केलाय, काही फलंदाजांना यश आलं तर काही फलंदाजांना अपयश हाती लागलेलं आहे। व्हाईटचा इशारा येतोय, पंचांशी कुठल्या प्रकारे आर्ग्युमेंट करू नका, लगेचच चेंडू रिटर्न करायचे गोलंदाजाकडे, सामन्याला सुरुवात करायची। संघाची धाव संख्या 1 ने पुढे सरकते 17 धावा। किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार, कौन बनेगा विजेता, असे प्रश्न प्रेक्षकांच्या मनामध्ये आहेत, परंतु त्याचं उत्तर कोणीही देऊ शकत नाही। इथे मात्र विजय होतो खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचा आणि सेठ दळवी साहेबांचा, आदित्य स्पोर्ट्स निंबवली संघाचा, क्रिकेटचा, कारण खेळ तितका जबरदस्त मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना। संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते 18 धावा, अजून 21 धावांची गरज आहे। यस मयूर, 10 चेंडू शिल्लक, 21 धावांची गरज, हृदयाचे ठोके वाढवणारा सामना, हृदयाचे ठोके चुकवणारा सामना, अंगावर शार्क, अंगावर काटा येणारा हा सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगतोय। नेत्रदीपक अफळातून न लढाई, कोण जिंकेल कोण हरेल हे सर्व काही बंद इन्व्हॉल्व मध्ये। पुढचा चेंडू अप्पू याचा, हो यावेळेस मात्र टॉपेज आहे, गोलंदाज चेंडू खाली अंड सॉफ्ट डिस्मिसल, कॉटन बॉल फलंदाज बाद। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सभी के एक जैसे होते हैं लेकिन हौसले सभी के अलग अलग। कोई दबाव में बिखर जाता है तो कोई दबाव में संघर्ष करके निखर जाता है। कुठला संघ नक्कीच या दडपणाला झेलून पुढे जाईल पाहूया। इथे मात्र धक्का बसतोय विकेटच्या रूपाने रायते संघाला, रायते रॉयल्स मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय, तसेच राया टायगर्स मैदानाच्या आतमध्ये। अप्पू विकेट प्राप्त केल्यानंतर राहू राईट ओव्हर द विकेट न, यावेळेस मात्र वेगवान गतीने लॉंग स्टॉप सीमारेखा पार होतोय चेंडू 4 धावांसाठी। रात
मात्र नाही, स्वप्न बदलते, दिवा नाही, वाद बदलते, नशीब बदलो न बदलो वेळ नक्कीच बदलते। इथे वेळ बदलेल का राहते संघाची ते पाहायचं आहे। आपण पुन्हा एकदा धावफलकाकडे वळूया। 22 धावा धावफलकावर झालेले आहेत आणि विजयासाठी अजून 17 धावांची गरज आहे। अप्पू गोलंदाजी करतो, षटक क्रमांक 30 मार्गस्थ। राइट मोर द विकेट ना चेंडू, यावेळेस मात्र लेंथ चांगली होती, दिशा सुद्धा अगदी योग्य आदर्श अचूक टप्प्यावर केलेला हा चेंडू निर्धावाच्या रूपाने चेंडूची सांगता होते। हार और जीत अपने सोच पर निर्भर होती है। अगर आप मान लो तो हार ये, ठान लो तो जीत है। इथे मात्र नक्कीच निश्चय प्रकार पक्का करावा लागेल, झूट करावा लागेल रायते संघाला सुद्धा की हा सामना आपल्याला जिंकायचा आहे। अपू याचा पुढचा चेंडू, हो यावेळेस मात्र पाटला खेळला होता फलंदाजाने सुद्धा, परंतु खूपच स्वेर मारा अपुयाचा। वारंवार चेंडूला फलंदाजाच्या खूपच दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय। पैसा वसूल मॅच, पैसा वसूल मॅच पाहायला मिळतोय। सामना कसा असावा हा जर प्रश्न विचारला तर मी तर म्हणेन सामना असा असावा, सुरेख सामना। हो यावेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू डिफेन्सिव्ह रित्या खेळलाय, एक धाव पूर्ण केली जाते, मिड विकेट वेगवान गतीने चेंडूवर झेपावतोय। एका धावेवर समाधान मानलं जातंय आणि स्ट्राइक स्वतःकडे ठेवतोय फलंदाज। कल्पेश स्ट्राइक स्वतःकडे ठेवतोय। 3 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि धाव संख्या झालेली आहे 24 धावा। चेंडू शिल्लक आहेत 6 आणि विजयासाठी मात्र धावा जमवायच्या आहेत 15। 39 धावांची गरज असताना इथे मात्र सुरेख गोलंदाजीचा नमुना पेश करताना प्रत्युत्तरामध्ये 3 षटकामागे 24 धावा आतापर्यंत खर्च केलेल्या आहेत। 39 धावांना डिफेन्स करताना रायसंघाचे गोलंदाजांमार्फत आता मात्र 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि विजयासाठी 15 धावांची गरज। मैदानाच्या आतमध्ये सुरू असलेल्या खेळाकडे सर्वांचं लक्ष आहे। 3 जर षटकार फलंदाजाने ठोकले तर सन्माननीय श्यामजी लोणे यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल रायते संघाच्या फलंदाजासाठी। शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाज आहे आदीप। आखूड टप्प्याचा चेंडू फुल पॉवरफुल डिलाइटफुल सक्सेसफुल षटकार। यस षटकार अर्थात जल्लोष आहे रायते संघासाठी। या प्रेक्षकांमध्ये उत्साह इथे मात्र निर्माण झालेला आहे। षटकाराने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते, 30 या आकड्यावर पोहोचलेली आहे। 5 चेंडू शिल्लक, विजयासाठी 9 धावांची गरज। प्रेक्षकांना विनंती असेल आपण नक्की सिमरेशच्या पलीकडेच राहायचं आहे, कोणी मैदानाच्या आत येण्याचा प्रयत्न करू नका, विनंती असेल। नक्कीच मोठ्या फटक्यावर रायते गावाचे प्रेक्षक इथे मात्र आनंद उत्साह सादर करताना आणि एक चांगल्या चेंडूवर मात्र राय गावचे प्रेक्षक जे इथे पोहोचलेले आहेत ते आनंद साजरा करताना आनंद उत्साह नसा नसा तुरू वाहताना चरण सीमेला वातावरण पोहोचलेला आहे। ओ अजून एक चेंडू जातोय 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 आणि गेला सीमारेषा पलीकडे षटकार। संधी आलेली आहे या फलंदाजाला, जर लागोपाठ 3 षटकार ठोकले आणि सामना जर जिंकून दिला तर धागाव संघाचे स्पॉन्सर सन्माननीय अरविंद मिरकुडे साहेबांकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल। आपण धाव फलकाकडे वळूया। 36 धावा धाव फलकावर झालेल्या आहेत, लागोपाठ 2 षटकार आपण पाहतोय। फलंदाज कल्पेशाच्या माध्यमातून, कल्पेश नावाचं वादळ मैदानाच्या आतमध्ये घोंगावताना खवळलेल्या समुद्रासारखा मैदानाच्या आतमध्ये तो मात्र इथे फलंदाजी करताना दिसतोय। मैदानामध्ये आग लावताना कल्पेश आगीचे बंबाळे टाकले जात आहेत।
विजयासाठी चार चेंडू मागे तीन धावांची गरज। क्रिकेटचा खेल आहे महान सुंदर आणि शतकाचा खेल, काय होईल हे सांगणं खूपच कठीण आहे। रायते गावाच्या प्रेक्षकांना विनंती असेल, खास करून खेळाडूंनी त्यांना नक्कीच सूचना द्यायची, आपण कुठल्या प्रकारे आरडाओरडा करू नका, अजून खेल शिल्लक आहे। चार चेंडू शिल्लक, तीन धावांची गरज। ओ अजून एक दर्जेदार फटकार, बाहुबली षटकार, नक्कीच आजची रात्र इथे मात्र रायते संघाचे खेळाडू गाजवताना दणदणीत विजय, दणदणीत विजेतेपद इथे त्याने पटकावलेलं आहे। सामन्यामध्ये क्वार्टर फायनल मध्ये इथे रायते संघाने प्रवेश मिळवलेला आहे। प्रेक्षकांना विनंती असेल आपण मैदानाच्या आत येऊ नका, अजून सामना आपल्याला खेळवायचा आहे, कृपया करून आपण शांत राहा, यानंतर लगेचच पुढची लढाई खेळवली जाईल। इथे मात्र अतिशय दर्जेदार क्रिकेट इथे प्रदर्शन पाहायला मिळालं रायते संघाच्या माध्यमातून। लागोपाठचे तीन षटकार कल्पेश याच्या बॅट मधून आलेले आहेत आणि या पराभवाची धूळ इथे मात्र चारली जाते या परिसरातील एक दिग्गज संघाला, राय संघाला।